नमस्कार, एमएचवन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं विकी जैन। 12 मार्च 1993 देश के इतिहास में तारीख काले नहीं बल्कि लाल अक्षरों में दर्ज है, क्योंकि देश के गद्दारों ने इस दिन मुंबई की जमीन को खून से लाल कर दिया था और इसी खून के छींटे इतिहास के पन्नों पर दर्ज होकर उस ब्लैक फ्राइडे की याद दिलाते हैं जिस दिन पूरा देश थम सा गया था और इस दिन देश की आर्थिक राजधानी मुंबई 12 धमाकों से दहल गई थी। लेकिन जब इन धमाकों का धुआं छटा था तो हर तरफ अपनों को खो देने वालों की चीखें थी। इस दर्दनाक घटना के 20 बरस गुजरने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के सभी आरोपियों को सजा सुना दी है, लेकिन इन धमाकों के पीछे जो असली गुनहगार थे वो आज भी सरहद के उस पार बैठकर भारत की तबाही की इबारत लिख रहे हैं। बारह मार्च 1993 मुंबई में एक के बाद एक हुए करीब 13 धमाकों ने मुंबई शहर को हिलाकर रख दिया था। इन धमाकों के 20 साल बीत जाने के बाद इस मामले में पकड़े गए सभी आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट ने दोषी करार दिया है, लेकिन इन धमाकों के मास्टरमाइंड आज भी सरहद के उस पार बैठकर भारत की तबाही की इबारत लिख रहे हैं। में मुंबई में हुए बम ब्लास्ट के केस में सुप्रीम कोर्ट ने टाइगर मैमन के भाई याकूब मैमन की मौत की सजा को बरकरार रखा है। इस मामले में कुल 27 आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई। इस मामले में जमानत पर चल रहे सभी दोषियों को 4 सप्ताह के भीतर पुलिस के सामने सरेंडर करना होगा। देश की सर्वोच्च अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि भगोड़े आरोपियों के बाद याकूब मैमन मुंबई बम ब्लास्ट के केस में सबसे बड़ा दोषी है, लिहाजा टाडा अदालत से मिली उसकी मौत की सजा बरकरार रखी जाती है। टाडा अदालत से मौत की सजा पाने वाले 10 अन्य दोषियों की सजाए मौत को उम्र कैद में बदल दिया गया है। इस मामले में कोर्ट ने कुल 12 लोगों को मौत की सजा सुनाई थी, लेकिन इनमें से एक आरोपी की मौत जेल में ही हो चुकी है। जस्टिस पी सदाशिवम और जस्टिस बी एस चौहान की बेंच ने 10 दोषियों की सजा उम्र कैद में तब्दील करते हुए कहा कि ये लोग गरीब और अनपढ़ हैं और साजिश के मोहरे बनते हैं। इसके अलावा उम्र कैद की सजा पा चुके 20 दोषियों में से 17 की सजा बरकरार रखी गई है। इन आरोपियों में एक एचआईवी पीड़ित महिला की सजा को पूरा मानते हुए बरी कर दिया गया है और एक दोषी की सजा घटाकर 10 साल कर दी गई है। 12 मार्च 1993 को मुंबई में हुए 13 सीरियल धमाकों में करीब 250 लोगों की मौत हो गई थी और करीब 700 लोग घायल हुए थे। इन धमाकों के कुछ दिन बाद ही मुंबई पुलिस ने एक एक कर सभी आरोपियों को पकड़ लिया था, लेकिन 20 साल तक चली एक लंबी लड़ाई के बाद भी इन धमाकों की साजिश रचने वाले सरहद के उस पार बैठे। आकाश सिंह, MH1 न्यूज।